नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉलिंजर बैंड के बारे में। बॉलिंजर बैंड का आविष्कार जॉन बॉलिंजर ने किया था। ये मेरा वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है आप इस पे मेल कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। हम बॉलिंजर बैंड को प्राइमरी तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल हम करते हैं इसका पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको डबल टॉप और डबल बॉटम को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डबल टॉप काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, और इसकी हेल्प से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एस्केंडिंग एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे ट्रेड में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर हम इसको भी यूज में लेके चलेंगे तो। इसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं हम रिवर्सल सिग्नल जानने के लिए, ठीक है, कि मार्केट कब रिवर्स करेगा हम ये जानते हैं इससे, ठीक है। हमें थोड़ा पहले ही पता लग जाएगा मार्केट रिवर्स होने वाला है, अगर हम कोई पोजीशन में है तो बेटर है कि हम उस पोजीशन से टाइम से निकल सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, हम ट्रेंड को पता करते हैं और ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को, यानी ट्रेंड अभी वही चलेगा या फिर ट्रेंड बदलने वाला है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे प्राइस पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड पता लगाएंगे, ठीक है। हम लोकेट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, हम वो ट्रेड इजाद करेंगे, वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो प्रॉफिट कमाने की। एंट्री और एग्जिट सीखेंगे, स्टॉप लॉस लगाना भी सीखेंगे। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं मूविंग एवरेज 20 डेज लाइन, ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 2 का, अपर बैंड एंड लोअर बैंड होता है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं अब चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एक बॉलिंजर बैंड का ये चार्ट है, इस पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ इसको कैसे लगाना है। आपको जैसे इसमें जाएंगे आप इंडिकेटर वाली लिस्ट में, उसके बाद जैसे ये प्लस होगा यहाँ पे ट्रेंड वाला, तो इसको आप प्लस पे क्लिक करिए, फिर आपको यहाँ दिखेगा बॉलिंजर बैंड, इस पे आप क्लिक करिए। ओके, यहाँ पे आपको 20 डालना है, यहाँ पे 2, अप्लाई टू क्लोज, आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं, और मैंने लाइन थोड़ी थिक कर दी है ताकि आपको इजीली दिख जाए, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो आपके चार्ट पे लग जाएगा ये, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं दोबारा नहीं लगा रहा हूँ, अगर लगाऊंगा भी तो वो इसके ऊपर आ जाएगा नेट्टो, ठीक है। अब इसमें हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। जैसे देखिए, कभी भी हमारी प्राइस एक्शन यानी कैंडल्स हमारी कभी भी जो अपर बैंड है, देखिए इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, ये हमारा लोअर बैंड है, ठीक है, ये मिडिल लाइन है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। कुछ लोग इसको 14 भी यूज करते हैं, आप 20 करिए, 20 बेस्ट सेटिंग है। जो बॉलिंजर ने बताई थी वो 20 बताई थी। ओके, तो जैसे देखिए ये लाइंस के ऊपर है कैंडल्स, तो इट मींस यहाँ पे आपको सेल पोजीशन नहीं लेनी है। जस्ट लाइक ये देखिए, लाइन के नीचे कैंडल है, एक के बाद दूसरी कैंडल लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो आप ऐसे टाइम पे अपोजिट ट्रेड पे मत जाइए। ओके, तो ये हमने जाना ट्रेंड कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है अभी, ठीक है। हम रिवर्सल जानेंगे, रिवर्सल हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे ये देखिए कैंडल बाहर क्लोज हो रही है, इस कैंडल की क्लोजिंग होगी हाई पे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस हेयर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग होगी यहाँ पे ग्रीन वाली की, बिकॉज ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोज होगा हाई पे। जैसे ये रेड कैंडल है, इसका क्लोज होगा नीचे, ठीक है। जब भी कोई कैंडल बाहर क्लोज होती है और उसके नेक्स्ट कैंडल इनसाइड द बैंड यानी इस लाइन के अंदर जाके क्लोज हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर आप लॉन्ग हैं तो पोजीशन से एग्जिट होके आप शॉर्ट करिए, ठीक है। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए बाहर क्लोज हुई,
बैंड के बिल्कुल लेवल पे क्लोज हुई, उसके बाद ये बैंड के अंदर क्लोज हुई, उसके बाद देखा आपने कि मार्केट यहाँ से काफी गिरा है, ठीक है। जैसे आपको और दिखाता हूं मैं, ये देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ थी बैंड के बाहर, नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल, इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, यानी इनसाइड द बैंड क्लोज हो रही है, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए क्लोजिंग बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, थोड़ा रिट्रेस किया है, नीचे भी आया है, बट उसके बाद ये रिट्रेस करके मार्केट प्राइस एक्शन ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो आपने ये सीखा इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कि जब लाइन्स हमारे कैंडल्स हमारे लाइन के बाहर होंगे, ठीक है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। देखिए इसमें ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। मान लीजिए बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस पे आके बार बार रुक जाएगा और यहाँ से वापस बैंड की तरफ जाएगा, अपर बैंड की तरफ जाएगा। डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे नीचे आएगा, देन फिर इसके यहाँ पे आके फिर से नीचे की तरफ जाएगा, यानी उस टाइम पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ से प्राइस ऊपर गए, देन उसके बाद फिर से नीचे आ गए। यहाँ भी देखिए अपर बैंड टच नहीं किया है, मिडिल बैंड से थोड़ा ऊपर जाके और उसके बाद दोबारा से नीचे आ गए। अगर आप कोई ट्रेड यहाँ से ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस उसका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इस बैंड पे जहाँ से भी आपने पोजीशन ली है वहाँ पे यहाँ होना चाहिए था इसका स्टॉप लॉस। वैसे ही आप अगर लॉन्ग जाएंगे रिप्लेसमेंट के बाद में तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कुछ और एग्जाम्पल।